हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड ऑफ ओडिशा। आज आम अच्छे कौन सिक्स क्लास रो इतिहास अच्छी आम तृतीय अध्याय जाए कंप्लीट कर देते एवं चतुर्थ अध्याय देखा भारत रे प्रथम नगरीकरण। सुरेखा तार बापा कोठरी गोटे बही टेबुल पड़ता देखला। सुरेखा कौन ना बापा कोठरी को जाता से गोटे बही कौन टेबुल पड़ता देखला। से ही बही उपरे गोटे पुराणा खबर कागजर मलाट पड़ता। बही उपरे गोटे पुराणा खबर कागजर मलाट पड़ता। से गोटे खबर लेखा था भारतीय प्रत्नतत्वविद मैंने हरियाणार बेबुआ ग्राम रु हरपपा सभ्यतार लोकंर 10 कंकाला आविष्कार करछन्ती। कौन लेखा था ना भारतीय प्रत्नतत्वविद मैंने हरियाणार बेबुआ ग्राम रु कौन ना 10 कंकाल आविष्कार करछन्ती। सुरेखा ता बापा को प्रश्न कला अच्छा हरपपा सभ्यता कौन। उत्तर रे बापा कहिले कौन कहिले आम देखा विषय रे। नूतन प्रस्तर युगरे चाष कार्य और पशुपालन जो लोक मैंने धीरे धीरे स्थायी भाव में एकाठी बसवास करने को लगिले। कौन ना जो पूर्व काल लोक मैंने कौन ना जाजावर जीवन जापन करुले जो अधिक खाद्य मिलूला से बस स्थापन करते कि धीरे धीरे कौन ना चाष कार्य पशुपालन करने द्वारा लोक मैंने कौन ना स्थायी भाव में एकाठी बसवास करने को लगिले। फल ग्रामीण जीवन आरंभ होला। अलग अलग रोते जो सांग ही रे धीरे 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 लोक संख्या कौन ना बढ़ला तो ग्रामीण जीवन आरंभ होला। भारतर उपमहादेशर नूतन प्रस्तर युगर बसती गुड़िक प्रथमे सिंधु नदी पश्चिम पटे आरंभ होला और पर अन्य अंचल गढ़ी उठला। कौन ना जो बसवास एकाठी बसवास कले कौटी आरंभ होता ना प्रथमे सिंधु नदी पश्चिम पटे कौन ना आरंभ होता पर अन्य अंचल गढ़ी उठला। पाकिस्तान रो मेहरगढ़ ठारे नूतन प्रस्तर युगर संस्कृति प्रथमे विकास लाभ करिथिबार प्रत्नतत्वविद माने विश्वास करती। पाकिस्तान रो मेहरगढ़ ठारे जो नूतन प्रस्तर युग आम आरंभ है कौन ना प्रथमे विकास लाभ करते क्योंकि ना पाकिस्तान रो मेहरगढ़ ठारे कौन ना प्रत्नतत्वविद माने विश्वास करती कि पाकिस्तान रो मेहरगढ़ ठारे नूतन प्रस्तर युगर संस्कृति प्रथमे विकास लाभ करिथिला। कृषि विकास और धातुर व्यवहार जो केतक बसती सहर और नगर परिणत है। कृषि विकास मान कृषि उन्नति रे उन्नति जो कौन है ना केतक जो ग्रामीण बसती कौन सहर और नगर में परिणत है। विशेषकर कंसा धातुर व्यवहार समय रे भारत उत्तर पश्चिम दिगरे केतक नगर गढ़ उठला। प्रत्येक नगर को विस्तृत चाष जमी जंगल और नदी घेरी रही। प्रत्येक नगर को कौन ना चाष जमी जंगल और नदी आदि सब घेरी रही। कालक्रमे से ही नगर गुड़िक ध्वंस पाई माटी तले पोति हो पड़ा। कौन ना धीरे धीरे से नगर गुड़िक कौन ना ध्वंस पाई माटी तले पोति हो पड़ा। प्रत्नतत्वविद माने कौन ना माटी खोली से गुड़ी को उद्धार करते सिंधु नदी उपत्यकार विभिन्न स्थान खोली दुईट प्राचीन सहर उद्धार करते कौन ना से सिंधु नदी उपत्यकार जेहेतु अधिक कौन ना प्रथमे पश्चिम पटे प्रथमे प्रस्तर नूतन प्रस्तर युग गढ़ी उठीला तो सिंधु नदी कौन ना सिंधु नदी उपत्यकार विभिन्न स्थान खोली दुईट प्राचीन सहर उद्धार करते कौन कौन ना हरपपा और मोहेंजोदार। तो प्राचीन सहर दुईट किए किए ना हरपपा और मोहेंजोदार। बर्तमान यही दुईट सहर पाकिस्तान अवस्थित। ये दुईट सहर कौटी ना पाकिस्तान अवस्थित। यही सभ्यता प्राय ख्रीष्टपूर्व 5000 वर्ष तले आरंभ होता बोली ऐतिहासिक और प्रत्नतत्वविद मैंने अनुमान करते। ऐतिहासिक मैंने कौन अनुमान करते ना यही जो हरपपा और मोहेंजोदार सभ्यता ख्रीष्टपूर्व 5000 वर्ष पूर्वे आरंभ होता। 1921 ख्रीष्टाब्दे प्रत्नतत्वविद दयाराम साहाणी माटी तलू हरपपा सहर को आविष्कार करते 1921 मान 100 वर्ष पूर्वे 1921 ख्रीष्टाब्दे प्रत्नतत्वविद दयाराम साहाणी माटी तलू हरपपा सहर को आविष्कार करते। यह सिंधु नदी उपनदी सिंधु नदी उपनदी रावि नदी कूल अवस्थित। जो हरपपा सभ्यताटा के ना सिंधु नदी उपनदी अच्छी ता नाम कौन ना रावि नदी तारिकूल कौन ना हरपपा सभ्यता अवस्थित। से हीपरी 1922 ख्रीष्टाब्दे प्रत्नतत्वविद राखाल दास बानर्जी सिंधु नदी कूल मोहेंजोदार सहर को माटी तलू आविष्कार करते। 1921 दयाराम साहाणी हरपपा सभ्यता को आविष्कार करते 1922 राखाल दास मोहेंजोदारा सहर को आविष्कार करते। मोहेंजोदार अर्थ कौन ना मृत नगरी। हरपपा ठार मोहेंजोदार दूरता प्राय 350 माइल किंतु यही दुईट सहर मध्य अनेक सामंजस्य रही।
हरप्पा और मोहेंजोदारो दूरता 350 माइल किंतु ये दुईट सहर मध्य अनेक सामंजस्य रही। हरप्पा और मोहेंजोदारो सहर दुईट सिंधु नदी उपत्यक अवस्थित होता यहाँ सिंधु सभ्यता कहुए। हरप्पा और मोहेंजोदारो सभ्यता क्योंकि ना सिंधु नदी कूल अवस्थित तो से कौन कहुए ना सिंधु सभ्यता। हरप्पा खनन द्वारा प्रथम यही सभ्यता जमापड़ यहाँ हरप्पा सभ्यता कहुए। यही हरप्पा सभ्यतार काल निरूपण निर्दिष्ट भाव स्थिर कराने कारण काल मानते आरंभ होता केेष होता स्थिर कराने समय केतक ऐतिहासिक मत में मेसोपोटामिया सभ्यता पूर्वर हरप्पा सभ्यता विकास लाभ करता कौन ना ये संपर्क में किसी ऐतिहासिक मैंने मत दे कि मेसोपोटामिया गोटे सभ्यता थिला ता पूर्वर हरप्पा सभ्यता विकास लाभ करता कारण हरप्पार सिल मोहर मेसोपोटामिया उर और किस स्थान देखा मिली। यही सभ्यता ख्रीष्टपूर्व 2500 रु ख्रीष्टपूर्व 1500 मध्य विकास लाभ करथिला बोली प्रत्नतत्वी मैंने अनुमान करछन्ति किंतु मैंने ऐतिहासिक मैंने मत देते कि मेसोपोटामिया सभ्यता पूर्वर हरप्पा सभ्यता विकास लाभ करथिला किंतु मैंने अनुमान करछन्ति कौन ना या 2500 ख्रीष्टाब्द रु ख्रीष्टपूर्व 1500 मध्य विकास लाभ करथिला। प्रत्नतत्वविद मैंने भारत अन्य अंचल केतक प्राचीन नगर ध्वंसावशेष उद्धार कर समस्त ध्वंसावशेष हरप्पा ध्वंसावशेष सहित सामंजस्य रही तेणु सेगुड़िक हरप्पा सभ्यतार अंतर्भुक्त सेगुड़िक मध्य पंजाब रोपड़ गुजरात लोथाल और धोलबीरा राजस्थान कालीबनगा हरियाणा बनवाली आदि इत्यादि प्रधान कौन ना ये हरप्पा मोहेंजोदारो सहित आउ केतक प्राचीन नगर ध्वंसावशेष उद्धार कर कौन कौन ना पंजाब रोपड़ गुजरात लोथाल धोलाबीरा राजस्थान कालीबनगा हरियाणा बनवाली इत्यादि प्रधान। तब नगर परिकल्पना नेक्स्ट क्लास रे देखिबा भिडियोटी एत देखी थी बहुत बहुत धन्यवाद। भिडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे और जब सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे।